डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, सिर्फ कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस पूछ रहा, तो टेक्स्ट क्वेश्चंस ओल्ड बुक में तो ये 168 पर है, नहीं ये क्या होगा पता नहीं। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर 142। So when rays, incoming rays are parallel to principal axis, incoming rays are parallel to principal axis, ठीक है, then after reflection through concave mirror, अगर वे कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करेंगी तो क्या होगा, मीट एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव मिरर में अगर बहुत सारी रेज आए और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड, बनाना नहीं है मैं बता रहा हूँ, बनाना नहीं है। अब ये देखो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। बहुत लोगों ने अच्छी कर ली है इसलिए बोल रहा हूँ तुमसे। चलो अगला देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, स्फेरिकल मिरर था, स्फेरिकल मिरर दिया है, अभी तो दिया नहीं कि कौन सा मिरर है, तो हम सिंपली फार्मूले में डाल देंगे ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, अगर कॉन्वेक्स से कॉनकेव कहता तब तो हम उसमें साइन भी लगा सकते थे। देखो सेकंड क्वेश्चन रुकता है, एंड वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का फार्मूला बताओ, आर बाई टू, चलो जमा करो, आने तो आगे कर नहीं पढ़ पाऊंगी, ओम जमा करो। सो चंद्रशेखर जमा कर दिया ना, F is equals to R by 2, तो radius of curvature कितना है? 20 centimeter by 2, तो focal length कितनी हो जाएगी? 10 centimeter. Name a mirror that can give direct and enlarged image. अर्चिता, ऐसा कौन सा इमेज है? ऐसा कौन सा मिरर है जो हमको सीधी भी इमेज दे और बड़ी भी दे? कौन पे मिरर है और वो कौन सी पोजीशन है जिसमें वो ऐसा करेगा? बिटवीन, अच्छा बिटवीन पी एंड एफ, इन्होंने कह दिया कि ऐसा होगा तो होगा। कॉनकेव मिरर की वो कौन सी सिचुएशन है जबकि हमें रियल रियल इमेज तो मिले लेकिन वो छोटी हो, हम कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं इसके लिए? बहुत जल्द भैया बोलो, बताओ छोटी का मतलब ऐसा पॉइंट साइज नहीं है, बस डिमिनिश्ड हो। चंद्रशेखर आप बताओ, रियल तो मिले लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी हो, बोलो उत्कर्ष, बियॉन्ड कहां पर रखा जाए ऑब्जेक्ट कि हमको रियल इमेज मिले लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी मिले? बिटवीन सी एंड, कहां पर हम ऑब्जेक्ट रखें कि जो हमको इमेज मिलती है वो इनफाइनाइटली लार्ज मिल जाए?
ठीक है, कौन से ऐसे मिरर्स हैं जो हमको वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज दे सकते हैं? कॉन्वेक्स, बोलो, तीनों दे सकते हैं, अच्छी बात है। ऐसा कौन सा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है, और ऐसा कौन सा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है? कौन सा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है? हाँ सुजैन, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? जैसा कि दिव्या ने बताया ये प्लेन मिरर है, तो इन्हें बता दिया अगर इसका बनाएंगे तो इतना बड़ा बनेगा सर्कल जो सूर्य से भी बड़ा बन रहा है, क्योंकि कहाँ बढ़ेगा। तो ऐसे में इसकी इन्होंने बताई कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही इन्फिनिटी है, तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी। बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने। जो क्वेश्चन आया है एमसीक्यू में, वो कौन सा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है? आप इसी को बढ़ा दो। अब अर्थ की सरफेस नियरली लगती है तब भी 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर बहुत बड़ा है, लेकिन बिल्कुल प्लेन चाहते हो तो कहाँ जाएगा रेडियस? तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ही इतनी दूर दूर होंगे तो फिर तो फोकल लेंथ भी बड़ी हो। नाउ तो थर्ड क्वेश्चन देखो, नेम अ मिरर व्हिच कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। तो ये चीज है कॉनकेव मिरर। और देखिए, व्हाई डू वी प्रिफर अभिषेक ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? It covers a large viewing area and gives erect image. सीधी भी दे रहा, उल्टा ट्रक नहीं दिखा रहा, तो हम we can perceive it correctly, हम उसे ठीक ठीक से अंदाजा लगा सकते हैं। So जो rear view mirror है वो convex ही तो होता है, और उसका क्या है बताइए, इससे large viewing area, अगर मैं यहाँ रख भी दूँ तो बिल्कुल मुझे पूरी classroom दिखाई पड़ रही है, पूरा classroom दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? So it gives a large व्यूइंग एरिया, पूरा पूरा ले लेता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर गिव्स ए लार्ज व्यूइंग एरिया एंड गिव्स एन इरेक्ट इमेज। So it is used as rear view mirror in automobiles. अंकुर, वो कौन सा मिरर है जो हमको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दे सकता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कुछ लोगों को ना आज सब पूरी क्लास ही बता दे तब भी नहीं समझ पाते, वो गलती से टेंथ में आके बैठे, पूरी क्लास में बता दिया फिर से वही। चलिए शिशु, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? ओके, अब हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला। देयर इज इंटर रिलेशन, इंटर डिपेंडेंस बिटवीन यू वी एंड एफ, तो वो मिरर फॉर्मूला है, उसका प्रूफ हम बाद में देख लेंगे कभी, अभी सिंपली आप फॉर्मूला देखें, ठीक है? सो मिरर फॉर्मूला, वन बाई वी प्लस वन बाई यू, वन बाई वी प्लस 1 by u is equals to 1 by f, ठीक है? इसमें all the distances are put along with sign using sign convention. इसमें u, v और f को sign के साथ ही रखना है, बिना sign के नहीं रखना है, plus है तो plus भी लगाना। All distances जो भी होंगी ना वो कैसे रखनी, बोलो? Distances are जो भी है fed इसमें रखनी है along with sign using
साइन कन्वेंशन। मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसमें ये 20 है, 20 सेंटीमीटर। देखो यहां से नहीं लेना, पोल से जो सीधी लाइन जा रही वहां से लेना होगा ना, कितना होगा ना 20, यहां तक है पोल तक नहीं। और ये कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है। और इसमें ये दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है जो कि 4 सेंटीमीटर का है, ये भी बोल रहा है 4 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी इमेज कहां बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो रियल होगी कि इन्वर्टेड होगी कि वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और उसका साइज होगा, सब पूछ लेना। सिर्फ आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है और साइज कहाँ रखी, समझ में आ गई बात। अब चलो देखो, आप मुझे बताएंगे कि मिरर फार्मूला क्या है। मिरर फार्मूला कर्स बताओ, 1/f(n)/d(n)/1/2। ओके, एक हमारे पास और फार्मूला है, दैट इज मैग्निफिकेशन फार्मूला। मैग्निफिकेशन फार्मूला प्रवर्धन सूत्र देख लो, जो मैग्निफिकेशन होता है दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। These are also fed along with sine. इसको भी कैसे पुट करना है? So HI and HO are fed. इनकी फीडिंग करनी है along with sine. ध्यान दीजिए कुछ चीजें। मान लो हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, ये C है ये F है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है 2 सेंटीमीटर और इसकी इमेज नीचे, वो भी बोल्ड बनेगी क्योंकि मिरर के सामने बन रही है ना, तो वो भी 2 सेंटीमीटर बनेगी, ऐसी बात है ठीक है। तो अब जरा देखो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज दिया और सी पर रखा हुआ है, तो आप एम में कैसे डालोगे बोलो, HI/HO। रिया बताओ HI कितना डालें, सब जानती होंगे नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लोगे तो कैसा डालोगे, -2। और HO कितना डालोगी, +2। तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा, काट के देखो कितना आएगा बोलो, -1। क्या आएगा, अच्छा ये जो -1 आया ना, इसके दो मीनिंग है। साइन हमें बताता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल। अगर निगेटिव है, निगेटिव का मतलब है रियल है, निगेटिव का मतलब होता है उल्टी, इन्वर्टेड। निगेटिव का क्या मतलब है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड हो गया तो क्या हो गया बताइए। अब देखिए फार्मूले में देखिए, दिस इज HI/HO या H-H भी लिखा है बुक में, तो कुछ भी लिख सकते हैं, HI/HO सही है। तो जरा देखो निगेटिव साइन क्या बता रहा है हमारा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, समझ लीजिए। तो मैग्निफिकेशन का चार्ट समझो, मैग्निफिकेशन में एक तो उसका साइन है और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड है। देख लीजिए एम की वैल्यू में एक साइन है और दूसरा क्या है, वैल्यू को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। साइन दो हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, अगर प्लस आ जाए एम की वैल्यू तो कहना वर्चुअल एंड इरेक्ट, और माइनस आ जाए तो क्या कहोगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर प्लस आए तो वर्चुअल, आभासी और सीधी, और अगर माइनस आ जाए तो उल्टी और वास्तविक, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड तीन तरीके से आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेस देन 1 भी आ सकता है, और मोर देन 1 भी आ सकता है।
वन आ जाए अभिषेक तब तुम क्या कहोगे? सेम साइज है जैसा उसी के बराबर वन आ गया तो दोनों सेम साइज होगा तभी तो बनाएगा। तो ये हो गया सेम साइज, वन से लेस आ जाए जैसे वन से लेस एग्जांपल ऐसा है 0.75 है तो वन से लेस आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही तो फार्मूला था, यानी ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड बड़ा था और इमेज जैसे ये 4 सेंटीमीटर दो ही बने तभी तो वन से लेस आएगा, इमेज छोटी बनी ना, ये वन से लेस कब आएगा बताओ हम? अगर इमेज की हाइट कम हो और ऑब्जेक्ट की ज्यादा तभी तो आएगा। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन हमेशा इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी चीज जब तुम मैग्नीफाई करते हो ना मैग्नीफाइंग लेंस से, तो कोई लेटर 1 सेंटीमीटर का चार दिख जाए तो क्या उसे 4x नहीं दिखते? 4 times हैंड लेंस से तुमने देखा तो कोई चीज मैग्नीफाइड दिखती है कि नहीं? तो मैग्नीफाइड में अगर 4 गुना बड़ा दिख रही है तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 4 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर लिखते हो और उसमें लिख देते हो 4x। जूम कितना है? 4x। ऐसे तुम्हारे कैमरे में भी उसमें लिखा था 100x 200x से कितना कर सकते हैं, हमेशा इमेज अपॉन रहता है। लेकिन अगर इमेज छोटी बनी तो फिर वो 1 से कम वैल्यू देगी ना, तो इसलिए अगर मैग्नीफिकेशन 1 से कम है तो इसका मतलब है कि वो डिमिनिश्ड है। जैसे मैंने बताया अगर 2 इमेज की हाइट और 4 ऑब्जेक्ट की तो छोटी नहीं दे रहा है, तो इसकी वैल्यू कम कब आएगी? दैट इज इसमें बनेगा डिमिनिश्ड। अच्छा मोर देन वन आ गई, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट और 1 सेंटीमीटर आ गई तो क्या 2 आ जाएगी? तो इससे क्या पता चलता है? एनलार्ज। कैसा है एनलार्ज? तो दैट इज एन लार्ज। इतनी बात समझ आ गई? अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई है तो ये एन के बारे में बता दिया। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर प्लेन मिरर। अगर हमारे पास प्लेन मिरर है तो उसकी एन की वैल्यू अपन क्या होगी? एन की वैल्यू बताओ। हमें नहीं पता, आप जो बोलोगे प्लस वन, क्योंकि अब यहाँ पर जो चीज जैसे रखी है उसी साइज की मिल रही है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो क्या यहाँ भी 2 सेंटीमीटर मिलेगा? और दोनों ही इरेक्ट हैं, तो जब m लिखेंगे तो क्या h i, और ये डॉटेड होगा ना, h i बाई h o। तो बताओ अंशु प्रिया ऊपर क्या रखेंगे नीचे क्या रखेंगे? तो प्लस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि वो भी एक प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, इसमें तो कोई एक्सिस की जरूरत नहीं, रेडियस है ही नहीं, तो और नीचे भी प्लस 2 क्योंकि अपवर्ड है, तो कितना आएगा बोलो? प्लस 1 आ जाएगा। That is equals to n कितना आया? प्लस 1 आया। अब सेकंड देखो, when the value of m is minus 1, इसका आंसर है when, कौन से मिरर के लिए और ऑब्जेक्ट की किस पोजीशन के लिए m की वैल्यू माइनस 1 होगी? वैल्यू ऑफ m इज माइनस 1 बोलो। तो इन्होंने कहा कि उल्टी बने और उतने ही वन बताता है उतने ही साइज की बने, और माइनस क्या बताता है? ये तो उल्टी और उतने ही साइज की कब बनेगी बताओ? अगर मान लीजिए इसको मैंने एट सी रख दिया तो ये सेम हो जाएगा कि नहीं? बोलो बात सही है। अब एक और भी चीज पूछी जा रही है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एम इज माइनस 1, तो तुमने कौन सा केस बताया? ए, तो एम कौन सा हुआ? माइनस 1 हुआ। अब एक और चीज अच्छी तरह बता दो, व्हेन द वैल्यू ऑफ एम इज प्लस 2, बताओ कौन सा मिरर है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? तुम तो बहुत जानती हो मयंक, आप भी बताओ बेटा। छटा केस बोल दिया कि अगर आपको अपना चेहरा डबल देखना है, सीधा रखना है, तो फोकस और कोन के बीच रखो ना प्लस 2। कहाँ रखना पड़ेगा? अभी तुम्हारे हमने आपके पास लाए थे कि नहीं इस जिम मिरर,
तो डबल देखनी है अगर आइस की साइज तो कहाँ रखा था बताओ हमने उसमें, है ना, और कहीं भी तो नहीं रख दोगे, कहीं भी रखो ऐसा तो नहीं कर सकते। तो क्या बताया बताइए, दैट इज एम इज माइनस वन, और दूसरा केस क्या बताया, दैट इज नाउ एम इज ओके। तो सेकंड केस हमने बताया एम इज इक्वल टू प्लस टू, अंशुप्रिया प्लस टू के लिए कहां रखेंगे, एफ एंड पी के लिए, और मिरर कौन सा होगा देख लो। तो यहां मान लीजिए ये सी है, ये एफ है और ये पी है, यहां रख दें तो क्या तुमको लगता है ये तो कहीं पे रख दो तभी तो मिल सकती है, और तो कोई चांस नहीं है ना, यही खिसकाते रहो डबल अपने आप मिल जाएगी, मतलब पोजीशन तो यही होगी ना। तुमने बहुत अच्छी बात बता दी, तो तुमसे एक और बात पूछी जाएगी, व्हेन द एम इज इक्वल टू प्लस, मिरर का नाम बताओ और पोजीशन, दो मिरर है तो भी बताओ, क्या दो मिरर हो सकते हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ, एक हो सकता है बताओ कौन सा है, तुम बहुत अच्छा बता रही हो सुजैन, आप भी बताओ। ये कह रही है कॉनकेव में ही सीधी ला सकते हैं और छोटी, बहुत बड़ी बात बोली है, ताकत है भाई, दिस इज द पावर ऑफ वुमेन, और कहां कोई कर सकता है, कह रही हम कॉनकेव में ही बना देंगे, सीधी भी बना देंगे छोटी, है तुम्हारे पास ये पावर, कॉन्वेक्स में हो जाएगी सीधी और छोटी दोनों। चलो तो आप कह रही कि कॉन्वेक्स में हम प्लस का मतलब सीधी और हाफ का मतलब, कहां रखोगी ऑब्जेक्ट को, बोलो, सुनाई नहीं पड़ा तो पता नहीं चला, सही है, तुम बहुत जानने लगी हो, हाँ बोलो मैम, इंफिनिटी और इंफिनिटी बोल भी छह दो, ये मतलब कॉन्वेक्स में भी बियॉन्ड सी रखने लगी, बोलो उसमें भी जातिवाद खेल रही है, उसमें क्या जाति, उसको भी ऐसे जातियों में तोड़ रही, बताओ देश को ना, एनी वेयर ठीक है, बिटवीन इंफिनिटी एंड फोर के बीच कहीं रख दो तो वो ट्रक छोटी दिखने लगेगी, दिखेगी कि नहीं, और सीधी भी दिखेगी, तो कहाँ रखना पड़ेगा, बिटवीन ठीक है, तो ये कहीं भी रख लीजिए अपने आप, यहाँ छोटी दिखेगी, दिस इज एफ दिस इज सी, यहाँ दिख जाएगी, ये बात सही है। अब देखो दिशिता हमको बताएंगे कि माइनस हाफ भी पाया जा सकता है, कहाँ पाया जा सकता है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा तुम प्रवर्धन गुणांक को माइनस हाफ कर ले जाओगे, कुमकुम गरिमा माइनस हाफ, चंद्रशेखर नमन बोलो, पहले मिरर बताओ कि उल्टी बने, उल्टी बने छोटी बने, ऐसा कोई मिरर है आपके ख्याल में, उल्टी बने छोटी बने, दो ही चीज पूछ रहा हूं, उत्कर्ष बोलो, दूसरा हमें केस नहीं पता ना, ऐसे बता दो, अब वकील होते तो लड़ते केस, अब बोलो बियॉन्ड सी, सही जानते हो वैसे तो, तो बियॉन्ड सी में रख दें तो कहां पर बनेंगे, और छोटी भी बनेंगी, हाफ साइज की बन जाएगी, सही बता रहे हो, सही कि नहीं, तो ये तो हमने कौन सा देख लिया, प्लस वन प्लस टू, माइनस टू नहीं देखा, माइनस टू बता दो शिव शर्मा, दैट इज माइनस टू में कौन सा बता दें, कॉनकेव ले लिया और इसमें सी और एफ इसके बीच रख दो, यहां बन जाएगी, सही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यही हमारे ए बी सी डी ई तक के जितने केस हैं उनके लिए फिगर बना दो, अब कौन सा मिरर है बस इतना ही करना है, एक पे चलो, और एक ही चार्ट बना दो, देखो दैट इज व्हाट डस द साइन एंड मैग्नीट्यूड ठीक है इन एम रिप्रेजेंट, साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
माइनस है प्लस है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन वन क्या रिप्रेजेंट करता है, वन क्या रिप्रेजेंट करता है, वन। और ये और कौन कौन से केस लोग बोलो, सजेस्ट सजेस्ट डायग्राम भी नहीं बनवाएंगे, सजेस्ट द नेम ऑफ मिरर एंड पोजिशन ऑफ, इतना तो कर सकते हैं ना बनाओ, क्या सजेस्ट करोगे? तो पहला मेक फ्लो चार्ट, मेक फ्लो चार्ट फॉर एल, दूसरा फाइंड द नेचर ऑफ मिरर एंड पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर m is equals to plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, plus half and minus half. ठीक है, अब देखिए define principal focus of concave mirror. करके दिखाओ, एक और क्वेश्चन है, राइट मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अभी मैंने पूरा नहीं बताया, जो m है वो h i by h o भी है और माइनस v by u, इतना अपनी कॉपी में, और जो लोगों की भी जरूरत पड़ने वाली है अगले सवाल को, दो तरीके से निकाला जा सकता है, माइनस v by u भी, ये भी लिखो। चलो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रियर व्यू मिरर है, तो ऑटोमोबाइल का मिरर रियर व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3 मीटर, तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को प्लस 3 मीटर लिखना है, तो एफ क्या हो जाएगा, प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा, इतनी बात समझ आ गई, एफ निकल आया। देखो जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर लाई करता है, बच्चे देखो बोलो, लेफ्ट में लाई करेगा कि राइट में, और जो पोल से राइट की डिस्टेंस होगी वो हमेशा कैसी भी जाएगी, पॉजिटिव जाएगी, तो ये सी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, 3 मीटर, तो क्या 3 मीटर पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव, अच्छा जो ऑब्जेक्ट रखा है वो किधर रखा है, मान लीजिए ये एक इस तरीके से बस आ रही है, तो वो कितने पर है, चेक करो, 5 मीटर पर है क्या, तो ये 5 मीटर पर हो गया। ऐसे केस में अर्चिता यू की वैल्यू बताओ, यू की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि पोल के इधर है, पोल के इधर है शुक्रिया, तो जो पोल के इधर होगी वो निगेटिव भी जाएगी और पोल के उधर वाली कैसी भी जाएगी, तो दैट इज इक्वल्स टू -5 मीटर। इतनी बात नमन समझ में आई आपको कि हमारे पास एक रियर व्यू मिरर लगा है आप लोगों की गाड़ी में, तो पोल के उधर होगा ना उसका कर्वेचर, तो 3 इसकी जो है
वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका हाफ कर दो तो फोकल लेंथ आ गई। पॉजिटिव भी है क्योंकि वो उधर पड़ रहा है। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव है क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर पड़ती है, और जबकि कॉन्केव में उसकी फोकल लेंथ किधर पड़ती है, निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो वो निगेटिव होगी। और कॉन्वेक्स में इतनी बात समझ आ गई, तो पॉजिटिविटी यू हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो वो तो उधर ही रहेगा ना लेफ्ट से। दो चीजें आपको मिल चुकी हैं, मिरर फार्मूला बताओ क्या है। चलो यूजिंग मिरर फार्मूला ये जरूर लिखना है, यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। सो 1/v नहीं पता है, u पता है तो -5, और f कितना है 1/+1.5। जब पहला लाइन लिखना है सब में प्लस माइनस जरूर लगाना, प्लस इग्नोर नहीं करना है, सही है। फिर इसके बाद बीच में जैसा जो वैल्यूज आर प्लेस्ड अलोंग विद साइन, अब मैंने वैल्यू प्लेस कर दी। चलो इसके बाद देखिए 1/3 ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस तो माइनस लिखो 1/5 इट इज इक्वल्स टू, अगर डेसिमल हटा दो तो क्या ऊपर 10 आ जाए, डेसिमल हटा दो तो 10/15 ओके 1/5 उधर ले जाओ दैट इज 10/15 प्लस 1/5 ओके सो 15 आ गया या 10 आ गया और 5 3 = 15 तो कितना आ गया 13/15 तो 1/v is equals to 13/15 वी चाहिए। अब हम तो इन्वर्टिंग बोथ साइड पलट लो तो भी आ जाएगा। नाउ इन्वर्टिंग बोथ साइड चलो हमें से दिया तो क्वेश्चन निकल जाता है ना। दोनों तरफ इन्वर्ट करो तो भी कितना आ गया 15/13 13 से करो डिवाइड 15 में 13 1 is 13 20 आ गया तो 13 1 is 13 13 5 = 65 तो 1.15 हो गया 1.15 अप्रॉक्सीमेट ऐसे लिखा जाता है। तो बोलो वी कितना हुआ 1.15 मीटर पर, और वो भी कैसा। अब यहाँ फिर से प्लस लगा दो, देख लो लास्ट वाले स्टेप में जब वी लिखोगे यहाँ प्लस फिर से लगेगा, और पहले स्टेप में वैल्यू डाली तो फिर से पता चला। ये जो वी है ये मुझे बताओ ये ठीक है, अगर मान लीजिए ये 1.15 की जगह 2.5 आ जाता तो क्या ये गलत होता कि तब भी गलत ना होता। दिव्या मयंक मान लो 1.15 आया तुमको कैसे पता चलेगा अगर ये कभी 2 आ जाता आंसर तो गलत होता कि सही होता, बोलो। ये कह रहे हैं गलत होता, ये कह रहे हैं कि सर फोकस के आगे कैसे बन जाएगा, 1.5 के आगे तो इसको अनुमति ही नहीं है। बड़ी बात बोल दी, इनके मन में ध्यान है, बोलो गलत हो गया सर, ऐसा नहीं कर सकते आप, उल्लंघन कर दोगे क्या, बोल दिया फोकस के आगे चला जाएगा क्या, तो 1.5 तक होता तो भी सही होता, नहीं फोकस के आगे चला जाएगा क्या, कॉन्वेक्स में नहीं जा सकता ना, दैट इमेज इज टू बी फॉर्म। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा अब हमें वी पता चल चुका है, हमें एम भी पता करना है, क्या इसकी कोई ट्रक की हाइट भी है, कुछ दिया भी नहीं, कुछ नहीं दिया, तो हम इतने में कंक्लूड कर रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है, हमें ये भी पता करना है कि क्या जो एम है वो छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, तो एम की वैल्यू से ही पता चलेगा। So m is what? बोलो इट इज माइनस वी अपॉन यू, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड है, ये एग्जैक्ट हम ये रखेंगे, गलत रखोगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा, पाइल अप होते हैं ना इरर्स, तो हम उसे ऐसा नहीं करेंगे। तो v क्या रखेंगे बोलो, ये एग्जैक्ट है कि नहीं, ये रख दो ओके। तो v की जगह क्या रखें बोलो 15 अपॉन, और उसमें किससे डिवाइड करें, u कितना है 5 है तो 5 है तो ओके। अच्छा
अब ध्यान दीजिए, यू और वी साइन के साथ रखे जाएंगे, वी कितना रखें, प्लस प्लस कितना है बोलो, प्लस 15/13, और यू कितना है, हमेशा फार्मूले में साइन के साथ रखो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -5, ये बात समझ आ गई। अब देखो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो सकता है, इसको कैंसिल कर दो, और 15/13 में किससे डिवाइड करोगे बोलो, 5 से, देखो 15/13 में ये मेन कोशेंट है, दिस इज मेन कोशेंट, तो इसमें मैंने किससे डिवाइड किया, 5 से कर दिया, फिर क्या किया जाएगा 15/13 × 1/5, ऐसा भी तो हो सकता है, 5 से इसको कट करो, कितना आया 3/13 आ गया, 13 से 3 में डिवाइड करो, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ गया, तो 13 × 2 = 26, फिर 4 बचेगा, 13 × 2 = 20, 3 बार भी जा सकता है 2, दैट इज 39, कितनी बार है, तो n की वैल्यू क्या लिखें दिव्या, इट इज इक्वल टू प्लस 0.23। अमन ये इसका मतलब क्या है, और क्योंकि 1 से छोटा है तो इमेज कैसी बन रही है, सो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, देखो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है, एंड फॉर्म्ड कहां पर बनेगी बताओ, एंड लोकेशन भी बतानी है, एंड फॉर्म्ड एट 1.15 meters, ठीक है, एट 1.15 meters बिहाइंड द मिरर फ्रॉम पोल, इतना जरूर लिखना है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, एट ये जो ट्रक यहां बनेगी ना कैसी बनेगी बताइए, इट इज फॉर्म्ड एट, छोटी बनेगी, उतनी बड़ी ट्रक नहीं दिखेगी, और ये डॉटेड, और कहाँ बनेगी, पहले तो अभिषेक की बात का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए ना, यहाँ बनाओ, वो कह रहे हैं कि सर एफ से दूर ना चले जाना, नहीं तो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देंगे, एफ के इधर ही उधर रहो ना, तो इसकी इमेज बना दी, छोटी बना दी, मतलब बहुत 1/5 साइज की बनाओ, 0.2 का मतलब क्या होता है, 1/5 नहीं 0.2, तो क्या लिखे बताओ, वो सम सेंटेंस भूल गए जरा बताओ, तो क्या एट सही बिहाइंड मिरर, पूरी बात आपने बताई है, बिहाइंड मिरर फ्रॉम पोल, चलो अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 9.2 देखिए क्या कह रहा है, 4 centimeter साइज की चीज है और 25 centimeter ऑफ कॉनकेव मिरर है, जो हमारे पास है 20 centimeter 25 centimeter के ही है, यही लांबा क्या है, यही उपलब्ध ही है, जब भी लेने जाओगे 20 रुपए का मिलेगा, तो अब देखो 25 centimeter इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, हमने क्या रख दिया बोलो, ऑब्जेक्ट रखा, अंकुर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, बुक लेट पढ़ते हो, इस प्लेस दैट 25 centimeter इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, जिसकी की फोकल लेंथ कितनी है, 15 centimeter है ये फोकल लेंथ, थोड़ी सी मैं आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी जाती ना, अच्छा ये फोकल, ये तो बिल्कुल यही दिखाओ एरो तब फिर चल जाएगा, नहीं ये फोकल लेंथ हमने ले ली, और ये 25 पे रखा, ये है ऑब्जेक्ट, तो अब अगर ये 25 पे रखा है तो क्या अमन आप मुझे बताएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये बियॉन्ड सी रखा है कि एट सी है, कहाँ रखा है ये ऑब्जेक्ट, सही बताते हो तुम, उत्कर्ष आप भी बताओ, आप भी बोलो,
बिटवीन सी एंड एफ कैलकुलेट करके बता रहे हैं, कह रहे 15 ये तो 20 ये तो 25 पे रखा है, ये कैलकुलेट कर ले रहे हैं। चालाक है ये, और ये कितने भोले हैं, भोले लोगों की कीमती नहीं। तो ये सी है, तो ये कहाँ रखा है बताइए, 15 है तो इसका सी कितना हुआ 30, और रखा 25 में तो बीच में नहीं रखा है, यहाँ रखा है, तो बताओगे भैया कहाँ है इमेज, मतलब कैसी बनेगी बीच में रखा है तो थोड़ा आइडिया, तो कहाँ बनेगी कैसी बनेगी थोड़ी तो हेल्प करो, नहीं करना। चलो अर्चिता बताओ और कैसी बनेगी, और कैसी बनेगी, पूरी बात बताओ, सही है। अब हम इन्हीं पर काम करें, देखो बीच में रखा इतना तो आपने बताई दिया था, तो बियॉन्ड सी बनेगी, सही है, बियॉन्ड सी तो बनेगी और बड़ी भी बनेगी, लगभग उन्होंने हिंट दे दिया है, सवाल आसान हो गया। दो तीन चीज और पूछ ले मैंने आपसे, यू की वैल्यू कितनी और एफ की, फिर हम आगे का काम करें। यू इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, और बोलो -15 सेंटीमीटर, और एच ओ भी बोलोगे क्या, +4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ यूजिंग मिरर फॉर्मूला, 1/ गरिमा मिरर फार्मूला बताओ, और मैग्निफिकेशन फार्मूला, अब देखो तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वी हमको नहीं दिया है, यू कितना दिया है, यू हमेशा निगेटिव ही होगा क्योंकि वो तो हमेशा पोल के उधर ही रखा रहेगा, माइनस एक्चुअली, और ये है -15, ये निगेटिव इस प्लस के साथ मिलकर निगेटिव हो जाएगा, सो 1/v माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/-15, और ये चीज अब उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/v 1/-15 प्लस 1/25। अर्चिता इन दोनों का एलसीएम बताओ, 50 ले लो कि तो 15 से कट जाएगा, सही सही बताओ, हाँ बोलो कितना, 75 एलसीएम ले लेना दोनों का, तो 15 से कटेगा तो यहाँ माइनस साइन है ना, माइनस साइन है तो क्या लिखोगी, -5 नहीं, 15 जा 75 तो क्या लिखोगी -5, और यहाँ क्या होगा बोलो 3, वो तो आएगा ही 25 थ्री जा, नहीं समझा बोलो कहाँ से बताओ, आगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/v कितना हो गया -2/75, इन्वर्टिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर इन्वर्टिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड अगर इन्वर्ट करो तो वी कितना हो गया, माइनस तो बीच में लगाई दो तो कितना हो जाएगा -37/2। नाउ वी इज इक्वल टू -37/2 कितना होता है, -37.5। सिर्फ इतने से उत्कर्ष तुम्हें क्या पता चल रहा है, मान लो इतना ही दिया होता तो क्या पता चल रहा है, रियल ये सब तुम्हें इसी से पता चले, बहुत बड़ी बात है ये कह रहे हैं, देखो कुछ अच्छी भी बात है, बहुत अच्छी बात है, इनो सुन लो पहले बात, ये कह रहे हैं कि निगेटिव है तो मिरर के सामने बन रही है, और मिरर के सामने बनेगी तो इन्वर्टेड होगी, ये बहुत टैलेंटेड है, ये एम तक जाते ही नहीं है, हाय इनका लॉजिक अच्छा है, नहीं सही बताओ, ये निगेटिव से क्या पता लगा रहे हैं, सर निगेटिव है तो मिरर के सामने बन रही है, और मिरर के सामने बन रही है तो उसको तो हम स्क्रीन पे ले ही लेंगे, एम में भी नहीं जाता है, बड़ी बात है, इतने पर कंक्लूड करना कितना बड़ी बात है। अब जरा देखो
और 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। नहीं चलो अब हम एम की वैल्यू पता करें। एम क्या होता है? एच आई बाई, और क्या होता है? माइनस वी बाई यू। अब एम को नहीं लेंगे, इन्हीं से काम चलाना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए? ये चाहिए ना, और तीन चीज पता है हम एम क्यों निकालें? ये चाहिए। अगर वो पूछेगा तो एम भी निकालेंगे। क्या एम पूछ रहा है? एम तो नहीं पूछ रहा है। तो हमें अगर एच की वैल्यू बड़ी मिल जाए, 6 सेंटीमीटर हम कह देंगे कि इनलार्ज है। साइज ऑफ इमेज से ही हम कंक्लूड कर लेंगे, जैसे 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और 6 मिल जाए तो हम उसी से नहीं पता लगा लेंगे इनलार्ज है। इसलिए हमें एम निकालने की जरूरत नहीं। वो कहे कि भाई इसका मैग्निफिकेशन कितना है, तब हम एम निकालेंगे, अननेसेसरी कुछ नहीं निकालेंगे। तो देखो एच आई कितना है, सारी वैल्यू प्लेस कराओ हम सुखिया। यहाँ कितना लिखे ऊपर, हमको नहीं पता, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, तो हमसे पूछने लग गए। आप बोलो सुझा एच आई में क्या लिखें? रिया चलो अच्छा नीचे क्या लिखें? प्लस फोर। इधर क्या लिखें? माइनस 37.5। ये तो एग्जैक्टली निकला, तो पूरा लिख दे रहे, नहीं तो वो लिख दें। चलो नीचे क्या लिखें? -22। सारी बात हो गई, देख लो जो जो मालूम था सब रख दिया। अब इसी से हम क्या निकालेंगे? एच आई। तो एच आई इज इक्वल टू, बोलो, दो निगेटिव तो ऐसे ही कर गए ना, तो -37.5/25×4। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, तो डेसिमल हटा दो और नीचे जीरो बढ़ा दो। अब इसको 25 से कट कर दो, किसी को अगर आता हो, ठीक है, कट करो 375 और 250 × 4, 5 से कट कर दो, 55 से ऊपर कट करो, 5×7=35 और 5×5=25। अब तो कट हो जाएगा ना, 25×2 और ये 3 कितना आ गया? -12/2, तो -6 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा एच आई निगेटिव आया तो क्या उल्टी तो बनेगी ना, एरो उल्टा बनेगा। सो इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज बन रही, 6 है, 4 का ऑब्जेक्ट था चंद्रशेखर, 6 बनी, सही है। सो इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, कितनी चीज हो गई, एंड ऑफ साइज। साइज तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि साइज ही तो पूछ रहा है। ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज इट्स लोकेशन अंकुर, बोलो, लोकेशन बताओ। Beyond sea is a very primitive answer. आप बोलो, आप बताओ अभिषेक, कुछ लोकेशन नहीं बताओगे? आदि क्या बोलो? अर्चिता 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर फ्रॉम पोल, क्योंकि निगेटिव था तभी तो सामने बनी, उसी से तो आपने बताया था कि ये रियल है। नहीं, मिरर फ्रॉम, नाउ अ कॉनकेव मिरर used for rear view on an automobile. अब ये दोनों सवाल पढ़ लो आप। Convex mirror. Yes, convex mirror. Convex mirror.
रियल यू ऑन ऑटोमोबाइल एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 मीटर. इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर the position, nature and size of the matter. An object 4 centimeter in size तो पहला क्वेश्चन करो मैं दूसरा लिख रहा सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है आ स्क्रीन शुड बी प्लेस. जब ऐसा पूछे तो समझो इमेज की लोकेशन पूछ रहा है. मैं कह रहा है कि कहाँ स्क्रीन रखें कि इमेज मिल जाए. तो स्क्रीन तो वहीं रखोगे ना जहाँ इमेज मिलेगी, ऐसा लिखा है सेकेंड क्वेश्चन में.